डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है मिस्टर श्लोक। जल्द ही आप मिस्टर शिवाजी राव को डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। हे गणपति बप्पा। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन क्या डॉक्टर? किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मिस्टर श्लोक, विल यू प्लीज कम विद मी, ताकि मैं आपको बता सकूं व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक फॉर हिज हेल्थ। ठीक है, अब आई आजी। अब आप सब घर जाइए, मैं बाबा के पास रुकता हूं। आइए डॉक्टर। व्हाट क्रैप यू आर टॉकिंग मिस्टर स्वप्निल। जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मुझे लगा था कि तुम एक इंटेलिजेंट आदमी हो, लेकिन अब मुझे अपना ओपिनियन बदलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं मिस्टर वाद। तो फिर कैसी बात है? कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखिए, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि अगर तुमने फाइनेंस की कमिटमेंट पूरी नहीं की तो यू आर आउट। और मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि हम कितना रिस्की बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर पीठ दिखाने वाले की पीठ में छुरा भोंक दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ मिस्टर वाद, मैं आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। मुझे दो दिन की मोहलत दीजिए, आई विल वर्क आउट समथिंग। तुम्हारे लिए वर्कआउट करना ही बेहतर होगा। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो दिन है। बैग, बारो, आरसी। दो दिन के बाद तुम अपने शेयर के साथ यहां आओगे, वरना तीसरे दिन का सूरज तुम्हारा आने वाला फ्यूचर तय करेगा। अच्छी बात है मिस्टर वाद, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। इतना वक्त हो गया बाबा अकेले हो। I'm so sorry, मैं जानता हूँ बाबा के खाने का वक्त हो गया है, लेकिन दवाई लेने में थोड़ा सा वक्त लग गया। कोई बात नहीं, उन्होंने खाना खा लिया है। खा लिया? जी। लेकिन किसने खिलाया? घर नहीं गई? राधा, तुम्हें घर जाना चाहिए, वहां सब अपने दादा अकेले होंगे। मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। Thank you.
दादा इस हादसे से स्वप्निल दादा बहुत टूट चुके हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बाबा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वप्निल अपने आप को संभालेंगे। दादा मैं भी जानता हूं कि दादा अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में एक पति को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी पत्नी की होती है। प्रिंसेस भी अकेली है, पापा के पास कम से कम मैं तो हूं, दादा के पास तो कोई भी नहीं। अगर मेरी बात मानो और तुम्हें ठीक लगे तो घर जाओ। हाँ राधा। हाय श्लोक। हाय राधा। हाय। कैसी है बाबा की तबीयत? तुम इतने रात? श्लोक ने बताया कि बाबा की रिपोर्ट्स नौ मिलाई, और जब तक बाबा की तबीयत स्टेबलाइज ना हो जाए तब तक श्लोक यहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी आकर बाबा से मिल लेती हूँ, और इसी बहाने श्लोक से भी मिल लूंगी। और अगर गलती से श्लोक को मेरी जरूरत पड़ जाए तो आई कैन हेल्प। अच्छा किया। तुम यहाँ आ गई हो तो मुझे भी साथ रहेगा। तुम दोनों यहाँ बाबा के पास रुको, मैं चलती हूँ। श्लोक, ये दवाई बाबा को आधे घंटे के बाद दे देना। राधा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब संभालूंगी, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे घर जाना ही होगा। शोक में नहीं जाना चाहती घर, नहीं सामना करना चाहती स्वप्निल का, उसकी हवस भरी नजर हर पल मुझे तकलीफ देती है। श्लोक, क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी मजबूरी को, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? दादा, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। मैं जानती हूँ दादा, बाबा की सेहत को लेकर आप बहुत परेशान हैं, लेकिन खाना भी तो जरूरी है ना। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे इतनी जल्दी कहां से लाऊं? और ये मेरी फितरत भी नहीं कि मैं इतना अच्छा प्रोजेक्ट अपने हाथ से चला, और अब मैं प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ जान गया हूं कि अगर कल सुबह तक मैंने उनके पैसे का इंतजाम नहीं किया तो प्रोजेक्ट तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ में वो लोग मेरी जान भी ले सकते हैं। क्या करूं मैं? That's it. मुझे मेरा रास्ता मिल गया। अगर रिस्की बिजनेस में रिस्की तरीके से पैसा ना आए तो फिर मजा ही क्या है? और वैसे भी स्वप्निल ने हार कब मानी है?
ये पैसा, पैसा बड़ी कमाल की चीज है। अच्छे अच्छे इंसान से, शरीफ ईमानदार इंसान से भी कुकर्म कराते हैं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस काली रात में फिर से स्वप्निल के डर का सामना करना होगा। अब आज क्या बहाना बनाऊंगी उसे टालने के लिए? राधा, तुम आ गई? राधा, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? पहले से काफी बेहतर है, अभी सो रहे हैं। तुम हाथ धो ले, मैं तेरे लिए और स्वप्निल के लिए खाना लगाती हूँ। स्वप्निल कहाँ है? स्वप्निल घर पर नहीं है। नहीं, अचानक चला गया खाना खाए बगैर। मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। जरा उसे फोन करके देखो कहाँ है, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। जी। स्वप्निल अगर घर पर नहीं है तो कहाँ गया? जो भी हो, घर से बाहर है यही अच्छा है। हे गणपति बप्पा, मेरी रक्षा करना। मैं चाहती हूँ कि आज की रात स्वप्निल घर वापस आए ही नहीं। देशपांडे जी, आप हमारे कंपनी में एक अकाउंटेंट की हैसियत से पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और 25,000 रुपए की तनख्वाह तक पहुंचते पहुंचते आपको 20 साल लग गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब सही वक्त आ गया है फल काटने का। देशपांडे जी, आप जानते हैं मैंने आज आपको अपनी इस केबिन में क्यों बुलाया? वो इसलिए कि मैं जानता हूं कि आप एक बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत समझदार मुलाजिम हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप ये जानते हैं कि 25,000 रुपए की तनख्वाह में आजकल क्या होता है। कुछ भी नहीं। तो हर एक मुलाजिम को बोनस की तो जरूरत पड़ती है ना। तो चलिए, आप इसे बोनस ही समझ लीजिए मेरी तरफ से। बस एक छोटा सा काम करो, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको मुझे पहुंचानी। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप ये बोनस नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी। रुकिए सर, मैंने ना तो नहीं कहा। ये पैसा देशपांडे जी, ये पैसा।
शरीफ से शरीफ इंसान को भी ये बेईमान बना देता है। आपके लिए सर ये है फाइल्स, पर हाँ इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए देशपांडे, मुझे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का कोई शौक नहीं, ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। और हाँ, इन फाइल्स की डिटेल्स आप मुझे समझाएंगे। और अभी सर आप जो चाहते हैं उसको पाने का तरीका एक ही है, अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी।